हमारा यहाँ पे बच्चे जो मेथड चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, सेंसस और सैम्पलिंग मेथड। तो सेंसस मेथड में मैंने आपको समझाया था कि जब हम हर एक आइटम को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो कौन सा मेथड कहलाता है, सेंसस। और जब हम सारे के सारे डाटा में से कुछ सैंपल चुनते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा सैम्पलिंग। अब आज का जो यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा आपका वो है क्या, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ अ सैम्पलिंग मेथड। यानी कि सर जब हम डाटा को सैंपल के थ्रू चुनते हैं तो सैंपलिंग चुनते टाइम हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ठीक है। पहला है बेटा टाइप्स ऑफ द सैंपलिंग मेथड में रैंडम सैंपलिंग। पहला कौन सा आता है बेटा यहाँ पे आपका, रैंडम सैंपलिंग। अब ये रैंडम सैंपलिंग होती क्या है ये समझते हैं। देखो बेटा रैंडम सैंपलिंग का मतलब होता है, कहता है रैंडम सैंपलिंग मेथड रेफर्स टू अ मेथड इन विच एवरी आइटम इन द यूनिवर्स हैज अ नोन चांस ऑफ बीइंग चूजन फॉर द सैंपल। मतलब समझो अभी आपकी क्लास में सपोज करते हैं 50 स्टूडेंट बैठे हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मैं आप में से किसी को भी खड़ा करके किसी चीज का आंसर पूछ लूं। सबकी बराबर है ना भाई, आपको नहीं पता मैं किसका नाम ले दूं और किसको मैं खड़ा होकर आंसर देने के लिए कह दूं। तो इसी को बोलते हैं रैंडम। रैंडम का मतलब जैसे आपके ऊपर धप्पा होता है कि आप आराम से बैठे होते हो अपने ख्यालों में और मैं कहता हूं बेटा आंसर दो, तो मैंने क्या करा रैंडमली चूज कर लिया आप में से किसी को। तो इस तरीके के मेथड को क्या बोला जाता है सर, रैंडम सैंपलिंग मेथड बोला जाता है। क्लियर है यहां तक। अब वो यहां पे देखो क्या कहता है, कहता है द सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टडी। कहता है जब आप सिलेक्शन करते हो ना उसकी क्या होती है बेटा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये समझते हैं पहले। कहता है इट इज नोन एज अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसको किस नाम से जानते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी क्यों है, क्योंकि सर हर एक आइटम की बराबर चांस है चुने जाने के। जैसे कि आपको पता होगा आपने 10th के अंदर प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा, अब आपको अगर कोई बोले कि डाइस के अंदर 6 आने के कितने चांसेस हैं, सर बराबर ही है ना, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, सबके क्या चांसेस हैं वहां पे, इक्वल आने के चांसेस हैं। तो ऐसे ही रैंडम सैंपलिंग में भी क्या होता है बेटा, जितना डाटा है उसमें से किसी भी के चुने जाने के चांसेस क्या रहते हैं, हमारे इक्वल रहते हैं। कहता है देयर इज नो रूम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन अ रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपल इज रेप्लिका ऑफ अ यूनिवर्स एंड मेजरमेंट ऑफ अ सच सैंपल कैन हेल्प टू एस्टिमेट द मेजरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। मैंने आपको बताया बेटा कि पॉपुलेशन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे डाटा है। पहली बात पॉपुलेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, तो कहता है कि जब आप इस तरीके का मेथड यूज करते हो तो इसमें ना भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन के कोई भी चांसेस नहीं होते, क्योंकि मेरे को तुक्के से किसी को भी उठाना होता है। देखो क्या है, बहुत सारे मेथड अगर हम देखते हैं, जैसे 16 पर्ची डप होता है, आपने 16, मैंने आपके 50 पर्चियों के नाम डाले, मैंने एक बाउल के अंदर डाल दिया, मैंने कहा बेटा इसमें से कोई भी चूज कर लो, आपने चूज करी, आपको पता है किसका नाम आएगा, नहीं पता, वो भी कौन सा पार्ट हो गया हमारा, रैंडम सैंपलिंग हो गया एक तरीके से, ठीक है। कहता है देयर आर टू मेथड, इसके अंदर बेटा दो तरीके की सैंपलिंग होती है, एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग और एक होती है कौन सी हमारी, रेस्ट्रिक्टेड। सिंपल वाली कौन सी होती है सर, सिंपल को बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड। कहता है सिंपल रैंडम सैंपल इज वन इन विच एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। यानी जो मैंने अभी आपको 16 पर्ची ढप बोला ना, जो आप गेम खेलते थे, वो सेम इसी का मेथड है। क्या सर, मैंने एक बाउल लिया, आप सब बच्चों के नाम डाले, उसे शफल किया और मैंने कहा बेटा कोई भी एक पर्ची निकाल लो, तो वो क्या हो गई, सबसे सिंपल मेथड हो गया। इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपली किसी का भी नाम आ सकता है, हर एक बच्चे के इक्वल चांस रहेंगे चुने जाने के। क्लियर। कहते हैं दिस मेथड इज आल्सो नोन एज अ अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग एज मेथड ऑफ सिलेक्शन शैल नॉट फेवर वन आइटम और अनदर। क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी चीज को या किसी भी लोगों को फेवर नहीं करते, सबके चांसेस क्या है बेटा यहाँ पे, बराबर होते हैं। कहता है अंडर दिस मेथड द सैंपल इज सिलेक्टेड बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। अब इसके अंदर बेटा जो सिंपल है ना, दो तरीके से होता है। देखो पहला कौन सा हो गया, लॉटरी तो सबने सुनी होगी। लॉटरी भी बेसिकली पर्ची वाला सिस्टम है, आपने एक नंबर खरीद लिया, बहुत सारे लोगों ने कोई नंबर अपना अपना सिलेक्ट कर लिया, जो नंबर निकलेगा वो जीत जाएगा, है ना। तो अब क्या किसी को पता होता है कि किसका नंबर निकलने वाला है, किसका नहीं निकलने वाला, नहीं सर, सबके चांसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। लॉटरी मेथड के बाद आता है, देखो इसको ना डिटेल में नहीं पढ़ना हमें, यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए गेम्स के नाम दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, देखो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल द आइटम ऑफ अ पॉपुलेशन आर नंबर्ड और नेम्ड और सेपरेट स्लिप्स ऑफ अ पेपर आइडेंटिफाइड साइज आर शेप्ड। एक सी पर्ची बनाते हैं हम, सबके ऊपर नंबर डाल देते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने एक पर्ची ली कॉमन साइज की, सब पे आपका नाम लिख दिया सबका, और मैंने उसे बाउल में डाल दिया, उसमें से एक निकाल लिया, सिंपल समझ आ गया होगा, इतना डिटेल में इसे याद भी नहीं करना हमने। फिर आता है बेटा इसी का जो दूसरा पार्ट होता है, उसे बोलते हैं बेटा यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल। इसको ना, ये बेसिकली एक चाइनीज गेम होता है, चाइनीज गेम से हम इंडियन गेम पे आ जाते हैं अपने। इंडियन गेम कौन सा है सर, लूडो। भाई आप डाइस फेंकते हो, हमेशा 99 से वापस आते हो, सांप काटेगा ही काटेगा वहां जाके, है ना। क्या है वो भी एक रैंडम सैंपलिंग का पार्ट है सर। हम डाइस फेंकेंगे, हमें नहीं पता कौन सा नंबर आएगा, हम कहां पे जाके नीचे आने वाले हैं, कहां से हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाने वाले हैं।
तो ये जो गेम है वो भी किसका पार्ट होता है सर आपका, रैंडम सैंपलिंग का ही पार्ट होता है। समझ आ गया रैंडम सैंपलिंग क्या है? ठीक है, इसके बाद आता है बेटा यहाँ पे टिपेट टेबल छोड़ दो आप, इसके बाद आता है कहता है मेरिट्स ऑफ अ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। कहता है जब हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं या मेरिट्स क्या है। पहला बेनिफिट क्या है सर? नो पर्सनल बायस। इसके अंदर बेटा पक्षपात के कोई भी चांस नहीं होते, क्योंकि रैंडमली देखो क्या होता है, कोई भी पर्सन नंबर निकालेगा, हमें नहीं पता कि किस कास्ट का होगा, किस कलर का होगा, भेदभाव के चांस इसमें बिल्कुल भी नहीं होते, सबके इक्वल चांस होते हैं। कहता है एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, सो सिलेक्शन ऑफ वेरियस आइटम इन द सैंपल रिमेन फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। कहता है क्योंकि सबके इक्वल चांस होते हैं तो इसमें पर्सनल बायस के चांस क्या होते हैं सर? बिल्कुल जीरो होते हैं, पर्सनल बायस इसमें नहीं होता। बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है सर? सबके आने के चांस क्या रहेंगे हमारे? बराबर। ड्यू टू द रैंडम कैरेक्टर ऑफ द सैंपल द रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी आर एप्लीकेबल। यहाँ पे कौन सा रूल काम करता है सर हमारा? रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी भी काम करता है। देखिए कहता है एक्यूरेसी कैन बी असेस्ड, कहता है द एनालिस्ट कैन इजिली असेस द एक्यूरेसी ऑफ दिस एस्टिमेट सिंस इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्लानिंग एरर सैम्पलिंग एरर इज द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ रैंडम सैंपल। देखो क्या है बेटा, इसके अंदर ना गलती के पकड़े जाने के चांसेस क्या रहते हैं? बहुत जल्दी रहते हैं। सपोज मैंने 50 जनों का नाम लिखा, आप में से किसी का निकाला, वो नाम आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि सर ने सही से निकाला था सैंपल या नहीं। क्या करोगे? बाकी की जो पर्ची होंगी आप उसे खोल के देख लोगे तो आप गलती पता कर लोगे कि हाँ भाई यहाँ पे गलती है, सर ने तो एक बच्चे के दो बार नाम लिखे हुए थे, यही पता चलेगा ना। तो यानी कि सर अगर इसमें कोई मिस्टेक होती है, गलती होती है, तो वो बहुत जल्दी पकड़ी जा सकती है। फिर आता है सर एक्यूरेसी कैन बी असेस्ड, इसके अंदर एक्यूरेसी भी चेक करी जा सकती है। द एनालिस्ट कैन इजीली असेस द एक्यूरेसी ऑफ दिस एस्टिमेटेड सिंस इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड, इसके अंदर एक्यूरेसी भी चेक हो जाएगी। सॉरी अगला था ये इंक्रीजिंगली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, एज द साइज ऑफ रैंडम सैंपल इंक्रीज इट बिकम्स मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। देखो इसको ऐसे समझो, ध्यान से सुनना बेटा अभी जो मैं बात कर रहा हूं आपको। एक एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक आम की पेटी है, उस पेटी के अंदर 50 आम है, ठीक है। अब हमें वो आम लेने हैं अपने फैमिली के लिए, तो हमें वो पेटी चेक करनी है। अब मैं एक पहला हमारे पास क्या है कि हम उसमें से सिर्फ एक आम खाएं और एक आम खा के कह दें हाँ भैया बहुत बढ़िया है ले चलो, तो ज्यादा हमारा आंसर ठीक होगा। या आप चार लोग थे, चारों ने एक एक आम उठाया खाया, तब आपने ये डिसाइड किया कि नहीं यार सही में एक्चुअल में ये फ्रूट बहुत बढ़िया है, पेटी बहुत अच्छी है, हमें लेके जानी चाहिए। दोनों में से ज्यादा एक्यूरेसी कहाँ पे आएगी? चार वाले में, एक वाले में? यानी कि सर जब हमारा नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा होगा ना, जितना नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा होगा एक्यूरेसी के चांसेस भी क्या रहेंगे सर हमारे? उतने ही ज्यादा रहेंगे। समझ आई बात? तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। कहते हैं एज द साइज ऑफ अ रैंडम सैंपल इंक्रीजेस इट बिकम मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज होता चला जाएगा उतना ही वो ज्यादा क्या करता चला जाएगा? उसको रिप्रेजेंट करता चला जाएगा। फिर आता है बेटा यहाँ पे डीमेरिट्स क्या है इसके? कहता है अनसुटेबल फॉर अ स्मॉल सैंपलिंग। अब यहाँ पे एक दिक्कत है इसके अंदर, मान लो चार ही बच्चे हैं, चार में से एक को चुनना है, तो यहाँ पे ये वाला मेथड काम, क्योंकि भैया चार ही बच्चे हैं इसमें रैंडम क्या करोगे, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ तीन या चार बच्चे बैठे तो चारों को बता भैया मैं ही उठ सकता हूँ, सबको प्रोबेबिलिटी क्या रह गई? बहुत कम रह गई, क्योंकि बच्चे बहुत कम हो गए यहाँ पे। तो अगर आपके पास डाटा बहुत कम है तो बेटा ये वाला मेथड आपका अप्लाई नहीं होगा। डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ सैंपलिंग फ्रेम, कहते हैं सिलेक्शन ऑफ रैंडम सैंपलर रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ सैंपलिंग फ्रेम विच मे बी डिफिकल्ट फॉर अ लार्ज और इन्फाइनाइट पॉपुलेशन। अब एक दिक्कत और है, अगर मेरे पास दोनों चीजें हैं, बहुत कम नंबर है तब भी मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अब मान लो यहाँ 50 बच्चों की बात कर रहा हूँ, मेरे पास 5000 बच्चे हैं, तो क्या रैंडम सैंपलिंग हो पाएगी? सर पहले तो 5000 बच्चों के नाम लिखो, फिर उसमें से एक सिलेक्ट करो, इतना इजी प्रोसेस। यानी अगर डाटा बहुत कम होगा तब भी नहीं चलेगा, और डाटा बहुत इनफाइनाइट होगा तब भी ये काम नहीं करेगा। टाइम कंज्यूमिंग सर, ये वाला जो मेथड होता है ये क्या होता है? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसको करने के अंदर हमें टाइम क्या चाहिए होता है सर? ज्यादा चाहिए होता है। द नंबरिंग ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ द स्लिप्स इज क्वाइट टाइमिंग। नंबर डालना, स्लिप्स बनाना, ये क्या होता है सर? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसको करना इतना आसान नहीं होता। फिर आता है बेटा इसका दूसरा भाई, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। अब देखो रेस्ट्रिक्टेड क्या है, रेस्ट्रिक्टेड के अंदर ना मेथड्स आ जाएंगे आपके, एक एक करके पढ़ेंगे हम। कहता था सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज अप्रोप्रिएट व्हेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर होमोजेनियस। कहता है ये मेथड मैं तब यूज कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, सुनना बेटा। मैंने अभी आपको एक आम की पेटी का एग्जाम्पल दिया,
तो आम क्या है, वो सारे के सारे होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब एक जैसे हैं। अब मान लो मेरे पास आम की जगह चार पांच फ्रूट अलग अलग हो, क्या हो, चार पांच फ्रूट, तो उसमें से सैंपलिंग करना रैंडम वाली, वो क्या हो जाएगा मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सारी आइटम क्या हो गई सर यहाँ पे हिट्रोजीनियस हो गए। अगर मेरे पास हिट्रोजीनियस है, सब अलग अलग है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो यहाँ पे बेटा ये कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, एक एक करके हम इन मेथड्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आता है बेटा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ये है क्या स्ट्रैटिफाइड? कहता है इन दिस मेथड द यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब क्या है सर, डाटा, और द एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स और स्ट्राटा एंड देन कंटेन नंबर्स ऑफ आइटम्स आर टेकन फ्रॉम सर्टेन नंबर ऑफ आइटम आर टेकिंग फ्रॉम ग्रुप ऑफ अ रैंडम। देखो समझो इसको एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए बेटा आपके स्कूल में फर्स्ट टू ट्वेल्थ क्लास होती है ना, फर्स्ट टू ट्वेल्थ क्लास होती है बच्चे। अब आपके स्कूल में क्या चाहिए था, मान लो कोई एनुअल फंक्शन होना है, ठीक है, 26 जनवरी आ रही है या 15 अगस्त आ रहा है, स्कूल में कहा कि भैया एक काम करो सब बच्चे चुनके लाने, लेकिन ना हर बच्चा, जितने भी बच्चे आप लेके आओगे हर क्लास में से कोई ना कोई बच्चा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, मान लो स्कूल में 1000 बच्चा है, हमने उसकी 10 क्लासेस बना ली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यानी जितना भी मेरे पास डाटा है जब मैं उसके अलग अलग ग्रुप बना लेता हूं, तो उस ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, स्ट्राटा बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम उसको? अब मैंने क्या करा, क्योंकि मेरे पास क्या आया था गवर्नमेंट से कि आपको हर क्लास में से कुछ ना कुछ बच्चे लेने हैं, तो मैंने स्कूल में टीचर्स को क्या कह दिया कि आप फर्स्ट टू टेंथ क्लास में हर क्लास में से क्या करोगे, पांच पांच बच्चे लेके आओगे। तो पांच पांच बच्चे हर किसी में से आ गए, तो टोटल कितने बच्चे आ जाएंगे, 50 बच्चे आ जाएंगे 10 क्लासों में से। तो यानी इस वाले तरीके को क्या बोला जाता है सर, हमारा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग बोला जाता है। की तो मैंने रैंडम है, लेकिन मैंने क्या करा, हर एक आइटम का पहले ग्रुप बनाया, फिर हर एक ग्रुप में से क्या करा, थोड़े थोड़े आइटम्स सिलेक्ट करे। इस तरीके के मेथड को क्या बोला जाएगा सर, स्ट्रैटिफाइड रैंडम। देखो यहां लिखा भी हुआ है, कहता है इट्स बेसिक पर्पस इज टू एंश्योर दैट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिट्रोजीनियस। क्योंकि सर मेरे पास रूल क्या आया था कि हर एक क्लास का बच्चा होना चाहिए, हर एक क्लास का मतलब सर डाटा क्या हो गया मेरा, हिट्रोजीनियस हो गया अलग अलग। तो मैंने क्या करा, हर एक क्लास में से पांच पांच बच्चे ले लिए, तो ऑटोमेटिकली मेरा सॉल्यूशन आ गया उस चीज का, ठीक है। इट आल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इससे क्या बेनिफिट होता है बेटा, आपका जो रिजल्ट भी आता है वो क्या आता है, थोड़ा एक्यूरेट आता है। थ्री टाइप्स ऑफ सर्टिफाइड क्या है, इसे रहने दो आप, कोई जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं मेरिट्स क्या है बेटा इसके। देखो मेरिट्स का मतलब क्या है, मोर रिप्रेजेंटेटिव। अब मेरे को आप खुद ही आंसर कर दोगे इस चीज का, बेटा 1000 बच्चों में से मेरे को 50 लेने थे, अगर मैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग करता तो मैं क्या करता, 1000 बच्चों का नाम लिखता, उसमें से 50 बच्चों की पर्ची निकाल लेता। तो क्या ये श्योरिटी थी कि हर एक क्लास का बच्चा उस 50 में होता? नहीं सर, हो भी सकता था, और यानी रिप्रेजेंटेटिव इतने अच्छे से नहीं निकल के आता कि हर क्लास को बच्चा रिप्रेजेंट कर देता। लेकिन अगर मैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग करता हूं, तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में क्या है, मैं हर एक ग्रुप में से पांच बच्चे लूंगा, तो पूरे पूरे चांस है कि जो मेरा डाटा होगा वो हर एक क्लास को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हर क्लास का बच्चा उसमें मिलेगा ही मिलेगा। समझ आई यहां तक की बात? फिर कहता है ग्रेटर प्रिसीजन, यानी सर इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा ना वो क्या आएगा, बहुत ज्यादा एक्यूरेट निकल के आएगा, हर क्लास का बच्चा उसके अंदर हमने इंक्लूड किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, बेटा इस तरीके के मेथड को करने के लिए ना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहती है। क्यों, सोचो एक काम क्या था कि 1000 बच्चे पूरे स्कूल के, उसमें से आपको सैंपलिंग करनी थी, तो एक बंदा बैठता दो बंदे बैठते, लेकिन अब 1000 बच्चों को हमने क्या करा, 10 क्लासों में बांट दिया, तो टीचर्स भी कितने हो जाएंगे, 10 टीचर अलग अलग हो जाएंगे, हर एक टीचर अपनी अपनी क्लास में से डाटा देगा, तो यानी ये काम क्या हो जाता है, एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या हो जाता है, काफी रिलैक्स हो जाता है और काफी ईजी हो जाता है करने वालों के लिए भी, ठीक है। फिर आता है ग्रेटर ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, इसे रहने दो। फिर आता है डीमेरिट्स क्या है बेटा, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द साइज ऑफ स्ट्राटा। हाँ, ये दिक्कत आती है कि भैया मेरे को 1000 बच्चों का डाटा था, मुझे कौन से में से कितने लोग लेने हैं, पांच लेने हैं जैसे मैंने तो बोल दिया, पांच बच्चे ले लो। अब जरूरी थोड़ी हर क्लास में से पांच बच्चे लिए जाए, हो सकता है किसी में से छह लिए जाए, चार लिए जाए, तीन लिए जाए, तो ये दिक्कत भी आती है किसके अंदर, स्ट्राटा वाले के अंदर। और ये वाला क्या होता है बेटा, अटमोस्ट केयर। इस वाले मेथड को हमें बहुत ध्यान से करना होता है कि जब हम स्टाटा बना रहे हैं वो स्टाटा भी ठीक बने, और जब हम सैंपल चुन रहे हैं तो वो सैंपल भी क्या हो, हमारा ठीक तरीके से चुना जाए। मोर एक्सपेंसिव, सर ये दूसरों के कंपैरिजन में क्या होता है सर, बहुत ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि हमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लेबर बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए इसका कॉस्ट भी क्या आती है सर, हमारी थोड़ी ज्यादा आती है।
फिर आता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, कहते हैं अंडर दिस मेथड आउट ऑफ द कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल ऑफ पॉपुलेशन यानी डाटा द सैंपल इज सिलेक्टेड बाय टेकिंग एवरी एनट आइटम। देखो ये एक अलग मेथड है, इनके ना मेथड ही समझ लो, मेरिट डीमेरिट में इतना कुछ है नहीं है। देखो क्या है इसमें, मैंने क्या करा बेटा, मेरे पास ना बच्चे यहां पे 1000 लोगों का डाटा था। कितने लोगों का डाटा था? अब मान लो आपके स्कूल के अंदर जब प्रेयर होती है तो सारे लाइन से लगे हुए होते हो, ठीक है। मैंने कोई सैंपलिंग नहीं करी, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्या कह दिया, हर 10वें नंबर पे जो बच्चा खड़ा होगा उसे निकाल लो, हर 10वें नंबर पे जो बच्चा खड़ा होगा उसे क्या कर दो आप, वहां से बाहर निकाल लो। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे मान लिया, मान लो 1000 लोगों का था, मैंने कह दिया जो भी हर 10th नंबर पे बच्चा आएगा, तो पहला आएगा 10वें नंबर पे, दूसरा आएगा 20वें नंबर पे, तीसरे पे, 40वें पे, ऐसे ही आएंगे सारे 10-10 नंबर के गैप पे आएंगे बेटा। तो यानी ये भी कौन सा हो गया, हुई तो ये भी रैंडम सैंपलिंग हुई ना बेटा, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक nth टर्म दे दिया। nth टर्म 5वां भी हो सकता है, 10वां भी हो सकता है, 20वां भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो इसका मतलब यहाँ पे यही लिखा गया था, अंडर दिस मेथड आउट ऑफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन यानी कि डाटा द सैंपल इज सिलेक्टेड बाई टेकिंग एवरी nth आइटम फ्रॉम दिस लिस्ट। हम हर एक nth आइटम को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल If a population contains 2000 item and a sample of 40 item is to be taken, the selection of every 50th item. क्या कह रहा है देखो, मेरे पास सर 2000 लोगों का डाटा है, मुझे टोटल सैंपल कितने लेने हैं, मैंने इसको क्या करा 40 से भाग कर दिया, तो 40 से भाग करके मेरा आंसर कितना आ गया सर 50। तो मैंने बोल दिया कि हर 50वें नंबर पे जो बंदा आएगा ना वो क्या होगा, मेरा सैंपल हो जाएगा, तो हो गया काम खत्म। तो ये वाला मेथड कौन सा हो गया सर हमारा, एक तरीके से सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो गया। डिफरेंस समझ आया स्टाटा और इसके अंदर? सर स्टाटा में पहले ग्रुप बनाए जाते हैं, हर एक ग्रुप में से किसी को चुना जाता है, इस वाले मेथड के अंदर हम सिर्फ nth टर्म दे देते हैं कि ये 5वां नंबर 10वां नंबर जो होगा ये हमारा सैंपल होगा, ठीक है। मैरिट डिमेरिट से भी रहने दो इनके सबके। अब इसके बाद आता है क्लस्टर सैंपलिंग क्या है। देखो क्लस्टर और स्टाटा बिल्कुल सेम है, कैसे मैं बताता हूँ। Under this method, total population is divided into some recognizable subdivision known as a cluster, and then out of all the clusters given number, cluster are chosen at a random. इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो example समझो। Suppose we are interested in obtaining the income status of the household of a rural area, यानी जो उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण इलाके हैं ना, हम उनकी income पता करना चाहते हैं। कहता है if there are about 100 villages, मान लो उसके अंदर कितने गांव हैं, total 100 गांव हैं। Then obtaining a list of all the household may be difficult. तो हर एक गांव में कितने लोग रहते हैं, उन सबकी लिस्ट बनाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है ना भाई ये। तो हम करेंगे क्या इसके अंदर, अंडर क्लस्टर मेथड इट इज पॉसिबल टू डिवाइड दीज 100 विलेजेस इनटू डिफरेंट क्लस्टर सच दैट आर होमोजीनियस बिटवीन देमसेल्फ। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, ये समझ नहीं आएगा वरना आपको। देखो इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, हम जो 100 गांव हैं इन सब में से देखेंगे कि इन सब गांव में कॉमन क्या क्या चीजें हैं, क्या कॉमन क्या क्या चीजें, और उस कॉमन की बेस पे क्या करेंगे हम, ग्रुप्स बना लेंगे। कॉमन की बेस पे क्या करेंगे हम, अपने ग्रुप्स बनाएंगे। देखो लिखा भी है यहां पे, कहता है डिफरेंट क्लस्टर्स सच दे आर होमोजीनियस बिटवीन देमसेल्फ लाइक बाय इंक्लूडिंग सम विलेजेस व्हिच आर इकोनॉमिकली वीकर। पहले हम देखेंगे भैया इन गांव में से इकोनॉमिकली वीकर कौन सी हैं, एंड सम विद अ साउंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और फिर देखेंगे कि भैया इसमें से अच्छी कौन सी है। If 15 clusters are formed in this manner, then out of these clusters, we can select some clusters, say 2 clusters at random. All the household of villages covered by these 2 clusters will be form a cluster sample. तो हमने क्या करा, देखो बेटा ध्यान से सुनो, 100 villages थी, मैंने 100 villages में से common चीजें ढूंढ ली। मैंने देखा भैया जब मैं common चीजें ढूंढता हूँ तो वो सिर्फ कितने गाँव के अंदर आती है, और फिर मैंने इन 15 गांव में से 2-3 गांव का सैंपल ले लिया और उसकी बेस पे अपना रिजल्ट बता दिया। इस तरीके के मेथड को क्या बोला जाता है, क्लस्टर सैंपलिंग बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है बेटा यहाँ पे एक मल्टी स्टेज सैंपलिंग। अब मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या है ये समझते हैं थोड़ा सा। कहता है दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ क्लस्टर, ये क्या है, क्लस्टर का ही एक एक्सटेंशन है, विच इज कैरिड आउट बाय अ मल्टीपल स्टेजेस से 2, 3 और 4 स्टेजेस। इन फर्स्ट स्टेज The universe into some cluster. पहले हम क्या करते हैं, अपने डाटा को कुछ क्लस्टर में बांटते हैं। Which certain cluster are selected at random as the first stage? Basic में बताता हूँ क्या है। अभी कितने गांव थे बेटा? ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या करा इसमें। अभी हमारे पास कितने गांव थे बच्चे? 100।
अब मान लो इस 100 की जगह कितने गांव हो जाए, 1000 गांव हो गए। अब मैं पहली स्टेज पे क्या करूंगा, इन 1000 गांव में से कॉमन चीजें ढूंढूंगा। सपोज करो वो कॉमन चीजें ढूंढ के मैंने कितने गांव निकाल लिए उसमें से, 100। तो अभी भी बात तो वही आ गई ना सर, 100 गांव के हर एक बंदे का नाम नहीं लिख सकता, स्टडी नहीं कर सकता, तो दिक्कत तो है। फिर मैंने सेकंड स्टेज में क्या करा, द सिलेक्टेड फर्स्ट स्टेज सैंपल, ये जो पहली स्टेज के अंदर हमने सैंपल चुना था 100 गांव का, आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू सम क्लस्टर। फिर मैं उसमें से और छटाई करूंगा कि भैया और कॉमन चीजें क्या क्या है अब इसके अंदर। सपोज करो अब मैंने इसमें से करी तो वो कौन सी स्टेज बन गई सर मेरी, सेकेंड। मैंने इसमें से 20 गांव और चुन लिए जो और ज्यादा आपस में क्लोज थे, समझ आई। फिर मैंने तीसरी स्टेज में दोबारा से सैंपलिंग करी और इसमें से सिर्फ 4 गांव चुने, तो ये कौन सी सैंपलिंग हो गई सर, मल्टी स्टेज सैंपलिंग हो गई। जब मेरे पास डाटा ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, पहले एक क्लस्टर बनाऊंगा, अलग कर दूंगा, फिर उस क्लस्टर को दोबारा से स्टडी करूंगा, फिर जो कॉमन चीजें होंगी वो अलग कर दूंगा, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं। फिर जो बचेगा एंड में वो हमारा क्या बन जाएगा, एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा, क्लियर। अब देखो यहां लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इन एन अर्बन इंक्वायरी अ सैंपल ऑफ टाउन्स मे बी टेकन एट फर्स्ट, देन फ्रॉम ईच ऑफ द सिलेक्टेड टाउन्स अ सब सैंपल ऑफ अ हाउसहोल्ड मे बी टेकन। हमने क्या करा, पहले गांव में से क्या लिया, एक टाउन लिया, टाउन में से फिर क्या लिया बेटा, घर लिए, फिर घर में से मान लो क्या ले लिया हमने, प्रॉपर गलियां ले ली कि गली नंबर 1 को ही देखना है, गली नंबर 2 को ही देखना है। तो ये मैं कौन से लेवल पे कर रहा हूँ, मल्टी स्टेज लेवल पे सैंपलिंग कर रहा हूँ, बेसिकली कह सकते हो ये और ज्यादा डिटेल सैंपलिंग होती है, ठीक है। अब आता है बेटा नॉन रैंडम सैंपलिंग, नाम से पता चल रहा है सर कौन सी सैंपलिंग है ये, नॉन रैंडम। नॉन रैंडम मतलब सर, अंडर नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड द सिलेक्शन ऑफ सैंपल डिपेंड ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इसके अंदर इन्वेस्टिगेटर खुद से सिलेक्ट करेगा कि हमें कौन सी चुननी है और कौन सी नहीं चुननी है। हाँ इस बोलो, ठीक है बच्चे। अब देखो इसमें होता क्या है, इसको ना इस तरीके से समझो, 3 तरीके की सैंपलिंग है, जजमेंट, कोटा और कन्वीनियंस। जजमेंट सैंपलिंग क्या है, जजमेंट सैंपलिंग में आपको बताता हूं, इंडियन आइडल देखते हो, जितने भी इस तरीके के शो आते हैं ना, ये सब क्या है, जजमेंट सैंपलिंग है। क्या है ये सारे के सारे, आपकी क्या होता है एक तरीके से ऑडिशन राउंड्स होते हैं। ये देखो ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी हो सकती है, क्या हुआ पहले इंडिया की हर स्टेट में जाते हैं ये, वहां से चुनते हैं, फिर हर स्टेट में से चुन के सबको कहां पे बुलाया जाता है, बॉम्बे बुलाया जाता है, फिर बॉम्बे के अंदर एक राउंड होता है, फिर बॉम्बे के राउंड में से क्या करते हैं 18 चुनते हैं, फिर 18 में से क्या चुनते हैं कि फाइनलिस्ट चुनते हैं, ऐसे ही होता है ना कुछ। तो क्या हुआ ये है मल्टी स्टेज लेवल सैंपलिंग हो गई एक तरीके से, क्लियर है। तो अब ये जो जजमेंट सैंपलिंग होती है बेटा, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के अंदर आपको कौन सिलेक्ट कर रहा है, जज ही तो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो देखो लिखा है अंडर दिस मेथड द चॉइस ऑफ सैंपलिंग आइटम डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। देखो हमने ना बहुत सारे केसेस सुने, अगर हम बात करते हैं जो सिंगर है फेमस नोटियाल, क्या नाम है पूरा नाम है ना, ये इंडियन आइडल में पहले राउंड में बाहर कर दिया गया, लेकिन आज की डेट में देख लो, यानी वो सैंपलिंग ही है ना, लेकिन किसकी बेस पे हुई थी, वो जजमेंट सैंपलिंग के बेस पे हुई थी, इसलिए कई बार उसके अंदर से अच्छे बंदे भी क्या हो जाते हैं, गलती से आउट किए जाते हैं, जान के नहीं करते हो जाते हैं कई बार, ठीक है। कहता था सिलेक्शन ऑफ डेलिबरेट एंड इज बेस्ड ऑन ओन आइडिया ऑफ द इन्वेस्टिगेटर अबाउट द सैंपल यूनिट्स, ही ड्रॉन द सैंपल सच दैट इट बिकम्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, डाटा को इस तरीके से चुना जाता है कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को क्या करे, हमारे रिप्रेजेंट करे। द चांस ऑफ इंक्लूजन ऑफ सम आइटम इन द सैंपल इज वेरी हाई वाइल दैट ऑफ द अदर आइटम इज वेरी लो। ये दिक्कत है, इसमें सबके बराबर चांस नहीं हो सकते, हो सकता है कुछ आइटम ज्यादा चुनी जाए, हो सकता है कुछ आइटम चुनी ही ना जाए उसके अंदर से। एग्जाम्पल एन इन्वेस्टिगेटर इज कंडक्टेड एन ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल का मतलब है कि मान लो आपकी बात करते हैं, यहाँ पे मैंने आपसे पूछा बेटा संडे को मैंने क्लास रखनी है, एक काम करो टाइम आप सजेस्ट कर दो, तो आपको पता है वो बैच कभी नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ओपिनियन कभी कॉमन आएंगे ही नहीं, सर मेरे को इस टाइम यहाँ जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है। तो यानी कि जब ओपिनियन पोल्स होते हैं ना बेटा, तो कुछ चीजों के चुने जाने के चांस इक्वल होते हैं और कुछ चीजों के बिल्कुल भी चुने जाने के चांस। मान लो मैंने क्या कहा कि टाइम बताओ, एक टाइम आया सर 10 से 11, एक आया सर शाम को 5 से 6, मैंने कहा 10 से 11 वाले हाथ खड़े करो, 50 में से मान लो 30-35 बच्चों ने 10 से 11 खड़ा कर दिया हाथ, तो मैंने कह दिया बेटा 10 से 11 वाले आ जाना, लेकिन 5 से 6 वाला तो सिलेक्ट नहीं होगा ना, 5 से 6 वाला क्या हो गया बेटा, वहां से आउट हो जाएगा फिर, ठीक है। इसके मेरिट्स क्या है बेटा, सिंपल एंड ईजी, ये वाला मेथड क्या है, बिल्कुल सिंपल और ईजी है, सामने सामने चल रहा है, जो भी चल रहा है बातचीत होके कंप्लीट हो जाता है। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, कहता है ये वाला जो माइट आइडिया होता है इसके अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा, आपका पूरे तरीके से अच्छे तरीके से किया जाता है। अवॉइड इररिलेवेंट आइटम,
यानी इसके अंदर जैसे मैंने 5 से 6 का टाइम हटा दिया, रीजन क्योंकि 5-6 बच्चे कह रहे थे सर हम उस टाइम आएंगे, तो मैंने वो हटा ही दिया। तो जितनी भी इररिलेवेंट आइटम होती है हम वहां से क्या कर देते हैं बेटा, एक तरीके से उसको बाहर कर देते हैं पहले ही। इसके डीमेरिट्स क्या है सर? पर्सनल पिचिडाइज। अब हो सकता है मैंने क्या पूछा किस टाइम आओगे, 35 बच्चों ने बोला 10 से 11, 10-12 बच्चों ने बोला 5 से 6, लेकिन मैं रखना ही 5 से 6 चाहता था, मैं क्या बोलूंगा बेटा 5 से 6 आ जाना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक तरीके से पर्सनल पक्षपात भी किया जा सकता है, क्योंकि वो किसके हाथ में है, जज के हाथ में है कि उसे क्या रिजल्ट देना है, क्या रिजल्ट। फिर आता है बेटा एरर ऑफ जजमेंट, जैसे अभी हम जामवाल वाली बात कर रहे हैं, क्यों कई बार जो जजमेंट एरर हो जाते हैं क्या कि हम सही पर्सन को चुन नहीं पाते, वो भी गलत से क्या हो जाता है बाहर कर दिया जाता है। फिर आता है बेटा कोटा सैंपलिंग क्या होती है, कोटा किस किस को पता है बेटा क्या होता है, राजस्थान वाला नहीं, हाँ जी जैसे इन्होंने कहा सर कास्ट की बेस पे एससी एसटी कोटा लगता है, कोटा का मतलब होता है एक सर्टेन अमाउंट को क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि भैया इतनी कैटेगरी इसके लिए रिजर्व कर दिया हमने, ठीक है। कहता है अंडर दिस मेथड द आइटम ऑफ द पॉपुलेशन आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड देन अ कोटा। हम क्या करते हैं हर एक आइटम को डिवाइड करके कुछ कोटा में डाल देते हैं। सिलेक्टेड फ्रॉम ईच सब ग्रुप इज फिक्स्ड बट विद इन द गिवन कोटा द सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल यूनिट डिपेंड ऑन द पर्सनल जजमेंट। एग्जाम्पल बेटा एक बार ये फटाफट पढ़ो आप सब, देखो समझ आया क्या बोला इसने, कहता है कि पहले हमने क्या करा 500 लोग थे उसमें से 55% के इंटरव्यू हुए, जिसमें से 30% के कोटा स्टूडेंट का था, 10% का एम्प्लॉयज का था, 5 का किसका था चिल्ड्रन का था, हमने सबका कोटा बना दिया और उसमें से क्या करी परसेंटेज चुन ली। अब इसके बाद आता है बेटा यहाँ पे इसके मेरिट्स क्या है सर, इससे जो रिजल्ट आता है सर वो क्या आता है, थोड़ा रिलायबल भरोसे लायक आता है, इकोनॉमिकल। ये मेथड क्या होता है थोड़ा सर सस्ता मेथड होता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। डीमेरिट्स क्या है सर, देखो जहां जहां पे भी सैंपलिंग कर रहे हो ना बेटा वहां पे पर्सनल बायस्ड सिर्फ एक में नहीं हो सकता, कौन सा, रैंडम सैंपलिंग, क्योंकि रैंडम में हमें भी नहीं पता कौन चुना जाएगा। उसके अलावा जितने भी मेथड्स हैं उन सब में आप क्या कर सकते हो, पर्सनल प्रिजुडाइज कर सकते हो। नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट अ सैंपल एरर, इसके अंदर आप सैंपल एरर का पता नहीं कर पाओगे कि कौन से एरर के अंदर कौन से कोटा में हमसे गलती हुई है, ठीक है। कन्वीनियंस का मतलब ये होता है जो हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग हो, ठीक है सर आप हमें ऑनलाइन ये लेक्चर भेज दो, जब हमारे पास पूरे दिन में टाइम होगा हम देख लेंगे, मन करेगा तो देखेंगे, नहीं करेगा तो हम वो भी नहीं करेंगे। तो बेसिकली इसे बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब होता है बेटा अंडर दिस मेथड व्हाइल सिलेक्टिंग द सैंपल यूनिट्स द इन्वेस्टिगेटर गिव स्पेशल अटेंशन टू हिज कन्वीनियंस, वो अपने हिसाब से देखता है। यानी बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जितने ऊपर मेथड हैं वो अपने आप देखेगा कि मेरे को उसमें से कौन सा मेथड लगाना, उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने ये वाला मेथड यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू एस्टिमेट द एवरेज हाइट ऑफ द इंडियन द इन्वेस्टिगेटर बिलोंगिंग टू दिल्ली कैन टेक अ कन्वीनियंस सैंपल फ्रॉम द दिल्ली स्टेट ओनली एंड एस्टिमेट द एवरेज हाइट ऑफ द इंडियन। कह रहे मान लो हमने एक एवरेज हाइट पता करनी थी कि इंडिया में एवरेज हाइट कितनी है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर है वो कहाँ का है बेटा, दिल्ली का, तो उसने क्या करा दिल्ली के लोगों की एवरेज हाइट ली और उसकी बेस पे आपको क्या बता दिया उसने अपना रिजल्ट, क्योंकि उसने क्या देखा अपनी कन्वीनियंस देखी, ठीक है। दिस मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल इज ऑल्सो कॉल्ड अ चंक मेथड। कौन सा मेथड होता है ये एक तरीके से? मेरिट्स क्या है सर इसके? वही सस्ता मेथड है क्योंकि हमें कन्वीनियंस के हिसाब से देखना है। इजी कमांड, इसमें कमांड देना क्या होता है सर, बहुत इजी होता है, सुटेबल फॉर अ पायलट सर्वे। पायलट सर्वे क्या था? हाँ बोलो भाई, बिल्कुल ठीक है सर। जब हम कोई नई चीज लेके आते हैं तो उसको मार्केट में निकालने से पहले हम क्या करते हैं उसका खुद सर्वे करते हैं, उसे क्या बोला जाता है एक तरीके से, ठीक है। सर इसके डीमेरिट्स क्या है? कहता है लैक ऑफ रिप्रेजेंट, इसे छोड़ो और कितना इसमें भाई, क्योंकि देखो इस चैप्टर में से मैं आपको पहले बता देता हूं आना क्या है। बहुत रेयर चांसेस है कि चैप्टर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन आएगा जो भी आएगा, या तो कोई भी मेथड पूछ लेगा आपसे कि भैया ये मेथड बताओ कौन सा होता है, और प्लस जब भी मेथड आएगा ना क्वेश्चन तो उसके साथ और में एक जरूर क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर्स